देश के टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्टाफ नहीं होने से मरीजों का बुरा हाल है। कुछ की तो मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 45 गांवों के लोग इलाज कराने आते हैं। मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नदारद हैं, जिसके चलते कई बार बाहर से आए मरीजों का समय पर इलाज न मिलने से उनकी मौत हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 40 से 45 ग्राम के लोग इलाज करवाने आते हैं। यहाँ पदस्थ डॉक्टर अरुण कुमार कोरी और स्टाफ कभी कभार ही आते हैं। इनकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से की, मगर फिर भी इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुधार नहीं हुआ। बीते दिनों ही ग्राम बिंदारी निवासी सुखा आदिवासी आयु 45 वर्ष उल्टी दस्त पीड़ित मरीज आया, मगर इस स्वास्थ्य केंद्र में न तो कोई डॉक्टर मिला न ही स्टाफ, जिससे मरीज 3 घंटे तक अस्पताल में तड़पता रहा। परिजनों ने बताया कि उल्टी दस्त से मेरी मां की मौत हो चुकी और पिता को भी उल्टी दस्त की बीमारी हो रही है। मैं लगातार 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगा रहा हूं, मगर वह भी अभी तक नहीं आई। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? कमलापत उमर। आप कहाँ के निवासी सर? मोहनगढ़। अभी सर जी आप देख रहे हैं कि मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है और मरीज पड़ा हुआ है मरणासन आसन में। ऐसे यह स्थिति यहाँ पहली बार है कि ऐसा होता रहती? ऐसे तो कई हजारों केस हो गए, यहाँ सुनने वाला कौन है? इंटीरियर है मोहनगढ़, कौन पूछता है? सिर्फ कागजों तक सीमित है। दवाई, डॉक्टर, नर्सें, सारी व्यवस्थाएं जो सब कागजों तक सीमित है, और यहाँ तो ऐसी आए दिन स्थिति बनती रहती है। आप लोगों ने इसकी प्रशासन से मांग नहीं उठाई? कई मरतबा उठाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं भी अभी दवाई लेने आया हूँ, आज 15 दिन से दवाई लेने आ रहा हूँ, अमृतरष्ट सीरप जो ना आज मिला है, और 15 दिन से रेगुलर चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल हो, यहाँ दोनों पे उपलब्ध नहीं है, जो हमारी माता जी के लिए अति आवश्यक होता है। सिर्फ कागजों तक सीमित दवाई है, बाकी सुनने में आया सर गरीब लोगों के लिए दवाई रखी रहती है और मरीजों को नहीं दिया जाता है, वो एक्सपायर होने को उनको फेंक दिया जाता है, सत्यता है क्या सर? बिल्कुल सत्यता है। इसके उदाहरण पीछे इसी अस्पताल के जस्ट पीछे पड़ी है काफी दवाइयां। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं कि मरीज पड़ा हुआ है मरणासन और डॉक्टर नदारद हैं और कोई सुविधाएं नहीं, केवल डॉक्टर आते हैं दस्तखत डाल के चले जाते हैं। हम दिखाते हैं कैसे ताले पड़े हुए हैं, मरीज तड़प रहा है। सामने चेम्बर है, यहाँ लिखा भी है 1 बजे तक और शाम के 5:06 तक, लेकिन अभी भी ताले शाम का वक्त होना है, ताले डले हुए हैं, सारे कमरों में ताले डले हैं, आप देख लीजिए सारे ताले, देखिए आप पूरे ताले पड़े हुए हैं। प्रसाव कक्ष में लोगों ने ऐसा डला है। अब तो स्थिति यहाँ ये भी है कि मरीज आते भी नहीं है, उनको मालूम है कि अगर यहाँ जाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी, पड़े पड़े मर जाएंगे। कई बार महिलाएं वापस चली जाती हैं। आप अंदर देख सकते हैं क्या स्थिति है, खुली कमरे में खाली बेड है, देख लीजिए आप कूलर खाली पड़े हैं, पुराना पानी कूलर के अंदर सड़ रहा है, गद्दों की स्थिति बदतर है, गद्दों की स्थिति बद से बदतर है। आप देख सकते हैं जी, इन गद्दों पे मरीज कैसे लेटेगा, इन्हीं गद्दों पे प्रसव कराया जाता है, देखिए क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जी